मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। नहीं। क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। तो एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला ले रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता नवा मसला तो हम दसता है कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है या लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने ये जबान से पांच जुमले अदा किए, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अजीब और गरीब बात ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि ये बताया जाता है कि ये पांचों चीजें, जी हाँ चार चीजें तो समझ आती हैं, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन पांचवी चीज न जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। ओ यार छोड़ दे ओ भाई, गाड़ी रख रहा आगे चलो। ये हुजूर पत्थर है, ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब अच्छा ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है और हाथ भी लगाए तो ये कंकर की फील देता है, ठीक है ठीक है जी। अच्छा फिर इधर आए तो ये लोहा है, यानी ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है, ठीक है ठीक है जी। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब ये चार चीजें एक ही जगह में एक ही पत्थर में मिक्स हैं और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है, यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए। काम हो रहा है उस पर इंशाल्लाह, हक वाज़े हो जाएगा। और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। ये तो टट्टी है। थैंक यू सर। इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठ। कुछ भी मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। ए देख लो सामो। बहरहाल ये अजीब गरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है। झूठ। और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। पहले मैं वैसे ही इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं। चलो 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 लगा कर हरी शाह, जोर लगा कर हरी शाह, चाल लगा कर हरी शाह। तकरीबन मेरा ख्याल है नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और अब चलें कुछ नियत कर। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। बहुत कंफ्यूज है, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। एक दुआ तो सारे मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट है कि वो किया करें कि अल्लाह करे कि गोरे उर्दू ना सीखें और हमारे मौलवी अंग्रेजी ना सीखें।